एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। गुरु को तुम लोगों ने कहाँ देखा था? याद नहीं है। झूठ बोलने की सजा जानते हो तुम लोग? हम क्यों झूठ बोलेगा प्रशांत भाई, हमको तो भाई चुप रहिए। भाई लगता है दोनों की जुबान ऐसे नहीं खुलेगी। मुंह में गरम गरम वो डालना पड़ेगा अपना, वो क्या है, दूध? दूध? अरे दूध नहीं रे, तो जो गर्म होने के बाद लाल लाल होता है ना, वो क्या है, वो सलिया। सलिया, वो भी उसका ठंडा हिस्सा। ठंडा हिस्सा? तो फिर गर्म कर रहेगा क्या मतलब है? अरे क्योंकि सलिया का ठंडा हिस्सा अंदर रहेगा तो गर्म हिस्सा बाहर रहेगा, वो निकालेगा कैसा? मगर डालेगा कैसा? वो भी मैं बताऊं क्या? तू जा ले आ जा, क्या खाली पिटर पिटर करता। लाता हूं गरम। ए भाई ओ, वो सुई मत लाना, हम लोग बताते हैं पेड़ा भाई, हम लोग बताते हैं। पेड़ा भाई नहीं, येड़ा भाई बोल। भाई क्या है भाई, वो है ना हमारे पड़ोस में रहने को आया। पहले दिन जब उसने मेरे साथ झगड़ा किया था ना, तभी मैं तो समझ गया था कि ये तुम्हारे लोग की तरह आउटलाइन का आदमी है। हम लोग आउटलाइन क्या? तेरी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बैटरी भाई, बैटरी बोल, ये पूरा मेरे दिमाग का नस का पूरा बैटरी डाउन कर दे साला। ये दोनों बंदर सच बोल रहे हैं, उसका कोई सबूत? सबूत तो बहुत मजबूत है भाई। देखो एक तो उसका नाम रामू राघवन है, है और दूसरा उसको है ना इधर उसको गुलाब है। क्या नाम है भाई? वो नाम समझने को जाएगा ना अपना नाम भूल जाएगा। लेकिन भाई ये ठीक बोल रहा है, गुरु को यहाँ निशान देखा बहना। इन दोनों ने तुम्हारे पति को देखा है अमेरिका में। तेरी हवा क्यों निकल गई भाई? कुछ नहीं। ईड़ा, तो इन दोनों को लेकर अमेरिका जा और वहां जाकर गुरु का गेम बजा डालो। आप 2 करोड़ रुपए तैयार रखना है। नहीं तो सिर्फ वहां जाएगा, उसको ढूंढेगा और मुझे इत्तला करेगा। मैं वहां आऊंगा तो उसको मेरे सामने ढेर करेगा। यहां मुझे बॉडी मिली और वहां तुझे तेरा पैसा। भाई एड़ा अन्ना ने अपनी एड़ी खोपड़ी से एक बार जबान दिया ना तो समझ लो गुरु की वो कट गई। वो क्या है रे वो? उंगली? अरे उंगली नहीं यार, वो बाल? बाल? अरे बाल नहीं, जवाब दे वरना गर्दन काट डालूंगा। गर्दन? हाँ गर्दन। एक बार आपने जबान दिया ना तो समझ लो गुरु की वो गई, कट गई। भाई वो तो गर्दन तो कटती रहेगी लेकिन हमारी जिंदगी कैसे कटेगी? हमारे इनाम का क्या होगा संक्रांत भाई? हंसने का चलो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है कि हमें इनाम से 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। एम? हाँ? आपने देखा नहीं वो लोग हम पे कैसे हंस रहे थे? मैं तो कहता हूँ सामान बांध के पहली फ्लाइट पकड़ के वापस अमेरिका भाग जाते। अरे ना ना, खाली याद गए तो हमारी बीवी हमको मार डालेगी गांडा। इधर यहाँ मरने से तो अच्छा हम अपनी बीवियों के हाथों से मरे। कम से कम उन दोनों को फांसी की सजा तो मिलेगी। गुड आइडिया भाई, गुड आइडिया। कबूतर क्या गुटरू, क्या चल रहा तुम लोग का? अरे आप हमको छोड़ के चले गए ना, आपका रात देख रहे थे। अच्छा गुड नाइट और रेनकोट भाई। गुड नाइट। ए मेरा नाम छोटा जत्री है क्या? गलत नाम लिया ना तो खोपड़ी में घुसर दूंगा खंजर, समझा? ये चिकने चल कमरे में खेत के चेन, वो तो ट्रेन में होता है ना। चद्दर खेच के सोया चल। हाँ तो हम लोग तो चद्दर खेच के ही सोते हैं। चल भाई चल। ए तू इधर जा रहा, तू चल उधर और तू चल इधर। बाथरूम में? उधर कैसे सोएगा? उधर मच्छर तो बहुत होते भाई, बाथरूम में कैसे? ए गुड नाइट के मच्छर, मेरे दिमाग पे सवालों का मंजीरा मत बजा। क्या जब तक हम लोग अमेरिका नहीं उड़ते ना तू मेरे साथ रहेगा ताकि ये नहीं उड़े, समझा? क्या नाटक मत कर। चल भाई चल। तू रोज रात को नंग नंग नहीं, नंगा नहीं, पूरा कपड़ा पहन के सो। नहीं नंगा नहीं, तू नहाता क्या? 2 बार नहाता हूं लेकिन नहाने के टाइम में नंगा होता हूं विनोद भाई। अभी बहुत काम करने का मेरे को, अमेरिका जाके खतरे को भी मारने का।
समझा? दिमाग की नस मत फाड़, तू लक्कड़ की पैदाइश है। साहब जी, क्या आप इस बस्ती में खोली ढूंढने को आए? चुप, वो कुरियर कंपनी वाला हीरो इसी बस्ती में रहता है। मैं उसकी छानबीन करने आया हूँ। और सुन, तू उस तरह पूछताछ कर, और किसी पे भी शक हो ना, उसकी अच्छी तरह तलाशी लेना, समझा? चल जा। क्या आदमी है यार। साहब सुबह आके लेके गया ना? कौन? ये हड्डियों का ढांचा कौन है? ये हड्डियों का ढांचा नहीं, इस बस्ती के चाचा हैं। पिछले 200 साल से इसी बस्ती में रहते हैं। अच्छा, हे बड़ाओ। कौन बोल रहा है भाई? फोन ने क्या, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। इन हड्डियों के ढांचों के बीच में क्या छुपा के रखा है? बेटा, इसमें खाने पीने की चीज है। खाने पीने की चीज? ऐसा लगता है 9 साल के उपवास के बाद में आज खाने की सूझी है। नहीं बेटा, इसमें मेरे घर का सामान है। घर का सामान है या गर्द का सामान है? गर्दुल्ले? नहीं नहीं, दिखा जरा, बता। नहीं बेटा, चल बेटा, गलत बात। अबे बेटा, अबे रुक सा। ए केकड़े, तू कराटे तो मराठे हूँ। आटा है तो पहले क्यों नहीं बोले ये आटा है? पूरा सौदा घाटे का हो गया है। जाओ आराम से, जाओ खाने पीने खाओ, जाओ जाओ जाओ, संभाल के जाने का, संभाल के जाने का। बुढ़ा है करके छोड़ दिया, कोई जवान होता ना पटक डालता यही पे। समझता क्या मेरे को? अभी आना। हाय, कैसा है? हेलो, कम कम, वेलकम टू दुबई, कम प्लीज हैव अ सीट, बैठे ना। हाँ, बैठे बैठे बैठे। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। ही वाज राइट, इसका दिल हमेशा सही कह रहा था। अरे रे रे रे, शी इज इन दुबई। कैसी है वो? ब्यूटीफुल, चेहरा उसका बहुत अच्छा है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन सब जगह से फैल गई है वो। फैल गया बोलोगे तो क्या, चादर है? 132 किलोमीटर की हो गई है। 132 किलोमीटर? आई मीन टू से 132 किलोग्राम की हो गई बैठे बैठे। बैठे बैठे मतलब वो चल नहीं सकती? व्हीलचेयर पर कोई चल सकता है भला? व्हीलचेयर? उसका घर में दूसरा चेयर नहीं क्या? व्हीलचेयर का के लिए? अब शराब पी के लड़की गाड़ी चलाएगी तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। एक्सीडेंट? और तानिया शराब पीने लगी? अरे बेचारी छूती तक नहीं है शराब को। अच्छा, लेकिन एक बार अगर गुस्सा आ गया ना तो पूरी की पूरी बोतल पी जाती है। और उस दिन उसके हस्बैंड के साथ उसका झगड़ा हो गया। हस्बैंड मतलब तानिया की शादी हो चुकी है? मैंने बोला वो शादीशुदा है? मैंने बोला? अरे विधवा है बेचारी, और वो भी डबल विधवा। पहला हस्बैंड वेरी गुड मैन, एक ही बुरी आदत स्मोकिंग। एक दिन सिगरेट जलाई और फट गया। फट गया? पेट्रोल पंप पे खड़ा था ना, एकदम ब्लास्ट हो गया।
दूसरा हस्बैंड? देवता आदमी था, कोई बुरी आदत नहीं थी, बस एक बीमारी थी भूलने की, भूल जाता था। सुबह उठा, नहाया धोया, ब्रेकफास्ट में ब्रेड जैम बटर चीज सब कुछ लिया, लेकिन मेन चीज लेना भूल गया, सांस। सांस, सांस लेना भूल गया और मर गया। Because he had acute lymphangiectasia of lungs. When lot of asthma with was asal. लेकिन दोनों हस्बैंड मर गए, लेकिन अपने बच्चों को कितने प्यार से पालती थी मैंने देखा है। बच्चा, बच्चे भी उसको? छह बच्चे हैं, हट्टे कट्टे। छह बच्चे? 3 साल में 6 बच्चा कैसे होता है? अब जुड़वा है ना, हर साल में 2-2। सही बात है। उनका पेट पालने के लिए रात भर धंधा करती है वो। धंधा? हाँ, लॉन्ड्री खोल रखी है घर पे। हाँ। 4-5 मशीनें लगा रखी है, व्हीलचेयर पे आती है, धनाधन कपड़े धोती है, इस्त्री करती है, पूछो मत क्या क्या नहीं करती है वो मदर इंडिया। साथ साथ बच्चे पाल रखे बेचारी ने। साथ? अभी 6 बोलो ना, 7 देर से आया। क्या समझाओ इन लोगों को। सातवां बच्चा इलीगल है। इलीगल बोले तो? अभी अंडरवर्ल्ड के डॉन का है, उससे भी शादी कर लिया? नहीं रे, एक बार क्या तानिया ने ना उसका सूट जला दिया, डॉन ने माफ कर दिया उसको, बस हो गई सेटिंग। अच्छा वो छोड़ो, अभी आप लोग बताओ कि मीटिंग कब कराऊं, बताओ ना यार। कब करूं? इंडिया टिकट बुकिंग। आ गए वापस नरक में। अरे वाह वाह, जो 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 जो। कमाल है ना, कमाल है ना। अरे मैं जहाँ पे अटका हूँ तू कहाँ पे शुरू हो गया, झकास बोल रहा था मैं। अबे झकास है कि कंकास है, तू अंदर जाएगा तो पता चलेगा। क्या बोला? गुजराती में झगड़े को कंकास बोलते हैं, समझा? कोई नौकर वगैरह नहीं है क्या सामान उठाने के लिए? हाँ मैं ना भाई, हमारा तो यही काम है, मैं कुली नंबर 1 और ये कुली नंबर 2। चलो भाई दामाद जी सामान उठाओ और डांडिया खेलने को तैयार हो जाओ। चलो आ गए हमारे करोड़पति। चलो 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 जल्दी से करोड़ को पति से अलग कर दो। आइए अंदर आइए। दुनिया का सबसे भयानक कोना हमारा घर, और वो है हमारा कमरा, वो ये किचन। हाँ हम लोग तो उधर ही पड़े रहते ना पूरा दिन। वो बाथरूम है, अंदर पानी आता ना, ठंडा गर्म दोनों। कोई कपड़ा वपड़ा लाया तो धोने का शुरू कर दो। वेलकम वेलकम। ए रुको, ये क्या हो रहा है? किन भिखमंगों को उठा के ले आयो? घबराना नहीं हो, हमारा तो रोज का है, नवो है ना बिचारो। हिटले ये डार्लिंग है ना, मेरा दोस्त है, अभी इंडिया से आया है। क्या क्या नाम है तेरा? चेन वाला छोटा छतरी। हाँ। और ये है येड़ा अन्ना। हाँ, कुछ दिन इधर रहेंगे अपने यहाँ। क्यों रहेंगे? ये क्या कोई लॉज है? हम तुम्हें रहने देते हैं यही बहुत है, समझे? चलो चलो निकलो। डार्लिंग मेरी बात सुनो ना तुम। तुम्हारी बात आज तक मैंने सुनी है? नहीं। तो फिर आज क्यों सुनूं? बराबर बराबर। चलो बराबर, चलो बराबर। चलो तुम दोनों अपना अपना सामान उठाओ और चलो निकलो। आउट। अरे जाते हो कि बाहर फेंक दो? ये थूकते का नहीं, नो स्पिटिंग हियर। थूकता नहीं है बेचारा, हकलाता है। और ये बेचारा गूंगा सिर्फ इशारे से बात करता है। हाँ। अरे तो गूंगे हकले बीमार को यहाँ क्यों लेकर आए हो? जाओ जाकर सरकारी अस्पताल में दाखिल कर दो। जाओ जाओ निकलो। ये कब 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 क्या? अभी इसी वक्त। चलो गेट आउट 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 आउट। ए शानी, जब से बोलती जा रही है सुन लो, इसका मतलब बोलते जा रहेगा क्या? हाँ मुनिस कर लियो इसकी, गर्मी का रास्ता छोड़, ठंडी हवा दे, चल। शट अप तू, छोटा छतरी के सामने चिल्लाने का नहीं समझा क्या? हाउ डेयर यू, मेरे मम्मी के साथ ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ए मैडम, बहुत हो गया तेरा डमडम, चुप बैठने का। बना तेरी खोपड़ी में है ना वो क्या है इसके खोपड़ी में भेजा? अरे वो तो लेडीज के खोपड़ी में होता ही किधर है यार। वो क्या था, वो जो रावण के 10 खोपड़ी में था ना, जो राम ने निकाल के भरता बनाया था, वो क्या था? घमंड। उतार देगा अपुन 1 सेकंड में, देखती क्या है।
अब दोनों नाने को जा रहे ले, उसके पहले अब उनको गरम गरम मसालेदार चाय चाहिए, समझी ना? छोटे चल एक रे लिए। अन्ना, ये गुरु और विक्रांत 1000 करोड़ के हीरो की ट्रॉफी घुमा रहे हैं और अपने हिस्से में सिर्फ 5 करोड़ का चिल्लर। ये देख, अब उन्होंने जो गुरु को वादा किया ना, वो फाइनल। अब उनको 1000 करोड़ के हीरे में कोई इंटरेस्ट नहीं। वाह वाह अन्ना वाह। अरे आज जबान की कीमत है, अरे एक नई चीज आपसे सीखने मिली है। अरे आपके जबान पे तो मैं करोड़ों की लोबान जला दूं अगर हुए तो। नहीं वाह, अरे वो क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाह के नाम पे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे रे बाबा, मौला के नाम पे दे रे बाबा। अरे साहब जी, आप ही भीख मांगे, मैं अकेले मांगूंगा क्या? आपके गार्डन में घूम रहे हैं। ए, दूंगा एक हाथ, ठीक से बात कर, तेरा सीनियर ऑफिसर हूं मैं। ये सीनियर जूनियर चौकी में क्या एयरोड पे सीनियर जूनियर ने समझा क्या? हम यहाँ भिखारी की एक्टिंग करने आए तो भिखारी बनो। आप भिखारी हैं, आप फकीर हैं, आप भीख मांगे हैं, आप लुक्खे हैं, कैरेक्टर में आओ, एक्टिंग करो, कैरेक्टर में आओ, समझे? अरे नहीं होता मेरे से यार, तेरे से होता है तो दिखता भी खानदानी भिखारी है साला। ओ साहब, खानदान बने जा रहा, पहले बोलता हूँ बाहर बैठे नौकरी पट्टी वट्टी निकाल के चला जाऊंगा यहाँ से। अरे वो आ गया। लगता है चुराया होगा किसी का। चल जाना। अरे साहब, अरे अरे बंदा क्या, मंगा मत लो, लोगों को शक होगा। भिखारी के कैरेक्टर में आओ, लाओ। अल्लाह के नाम पे दे बाबा, अगर हिंदी में नहीं आता तो इंग्लिश में गाओ। गिव द नेम ऑफ अल्लाह बाबा, गिव द नेम ऑफ मौला। चलो भाई, जो हुआ सो हुआ। एक काम करना भाई, इंडिया जाके इसकी शादी किसी अच्छी लड़की से करवाना और अच्छी ढूंढना। तेरे सामान किधर, तू इंडिया नहीं आएगा क्या? यहाँ पेमेंट कौन देगा? यहाँ पेमेंट नहीं देगा तो मारते हैं वो लोग। मुझे क्या है, तुमसे जो पेमेंट लेनी थी ना उसकी फिक्र नहीं है। अरे मेरे को पेमेंट इधर मेरे, मेरे को क्या? अरे ले पागल है, ऐसे सच्चे आची की पेमेंट को मैं हाथ लगाऊ ना? अरे भगवान माफ करे, कभी नहीं। एक काम कर, इधर रखते भाई। चले भाई, ऐसे लेट हो गया, प्लेन में बैठने को जगह नहीं मिलेगा, खड़ा होकर जाना पड़ेगा। चल जल्दी कर, चल। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या, इंडिया नहीं जाएगा तू? पाकिस्तानिया जैसी भी है मुर्गन, वो तकलीफ में, इस वक्त उसको मेरी ज्यादा जरूरत है, और इस हाल में मैं उसे छोड़ के चला जाऊं? मैं वापस नहीं जाऊंगा। अरे सलाम है ऐसी आशिकी पर मेरे भाई। हे भगवान, तू रुक जा, कसम से बोलता हूं। अरे 3 साल बाद जब तू और तानिया मिलेंगे, कसम से मेरी आंखें रोएंगी यार। 3 साल बाद क्यों? हाँ, गई ना वो रात को हनीमून को। हनीमून अकेली? अरे अकेली नहीं, वो अंडरवेयर के साथ गई ना। अंडरवेयर? अरे अंडरवेयर नहीं मेरे भाई, अंडरवर्ल्ड वाले के साथ गई ना 3 साल के लिए। इतना लंबा हनीमून के लिए गए 3 साल? ये इंटरपोल वाले जब पीछे पड़ते ना अंडरवर्ल्ड वालों के साथ तो बहुत बुरा होता है, भागना ही पड़ता है उनको 3 साल के लिए। 3 साल हम लोग, ए 3 साल रुकने के लिए, चल चल चल। अरे 3 साल तो यू देखते देखते 5 साल में गुजर जाएंगे। अरे 3 साल 5 साल क्या, तेरा किलोमीटर किलोग्राम उल्टा कुछ ही बोलता क्या, हम लोग पागल है क्या? ये 3 साल रहने के लिए मेरे बाप का कुआ है क्या, तेल निकालने के लिए? उधर तेरे बाप से संभालेगा, छोड़ रे, चल तू चल। ए रुक जा, तू चल भाई। ए करण रुक जा, रुक जा मेरे भाई, मत जा, रुक जा। अरे चला जा मेरे भाई, चला जा। भला टेली
हेलो 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 कॉइन डाल ए क्या कॉइन डाल मोबाइल है ये कॉइन डाल हट हेलो पुलिस स्टेशन हेलो हेलो हाँ पुलिस दिस इज वन डेड बॉडी स्लीपिंग इन द कार इन द कार के अंदर यस हाँ पुल रस्सी का पुल ब्रिज यस वो लकड़ी का मंडप जैसा कोने में है ना यार वो दरिया को लग के यस रिवर यस ब्रुकलिन ब्रिज इसकी माँ का क्या पुलिस वाले हेलो हाँ माय नेम इज छोटा छतरी फोन दे रे लिटिल अम्ब्रेला लिटिल बकवास बंद कर अरे क्या है कि पुलिस है यार इसे तो मुंबई की पुलिस सॉलिड अरे साहब जी डॉक्टर ने बोला आपको आराम करने के लिए आपको आराम की सख्त जरूरत है क्या तेरे को क्या सोने के लिए बोला है नहीं ऐसा कुछ नहीं पन क्या है हीरो ही आया था हीरो आया था कौन संजय दत्त सुनील शेट्टी गोविंदा शाहरुख खान आमिर खान सलमान खान ये हॉस्पिटल है हॉस्पिटल स्टूडियो नहीं यहाँ सिर्फ मरीज आते हैं वो भी आप जैसे मरीज जाके आराम करो मेरे को भी आराम करने दो हीरो आया था शराब वो बस्ती का हीरो आया था अरे और उसने मुझे मारने की धमकी दी है क्या हो गया था मालूम है मैं सो रहा था बैठा हुआ था मगर तो बैसाखी लेके बाहर साहब जी मेरी तो हालत खराब हो गई इतना बीमार मैं जानता था ये होने वाला है वो तो आ गया ना अरे मैं जानता अरे देखो अरे शांति रखो तुम